परी उठ जा यार, 3:30 बज गए, अभी चलते हैं। हाँ परी। हे गाइस, गुड इवनिंग यार, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों को थैंक यू सो मच यार, आप लोग लास्ट 2 वीडियो में एकदम बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिए, इतने सारे व्यू आ गए भाई लास्ट 2 वीडियो में, मैं एकदम फुल मोटिवेटेड हूँ। और गाइस सॉरी यार, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि बैक पेन हो गई थी और मैं रूम से एकदम बाहर नहीं जा पा रहा था, इसलिए व्लॉग नहीं आ रही थी। लेकिन अभी कंटिन्यूअसली व्लॉग आएगा। और गाइस आज का व्लॉग होने वाला यार, हम लोग आए हैं पुणे के तलजई टेकड़ी पे, जो कि इवनिंग स्पेंड करने के लिए एकदम बेस्ट प्लेस है। तो ये रास्ते से हम लोग अभी ऊपर आए हैं और आहिस्ता घूम के पूरा उधर से है, उधर से ऊपर आने पड़ते हैं यार। और तलजई टेकड़ी यार मोस्टली जाना जाता है शाम को, मतलब यहाँ पे ढेर सारे कपल्स लोग बैठे हुए रहते हैं, तो मोस्टली यहाँ एक कपल्स पॉइंट भी यहाँ पे बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कुत्ते कैसे देख रहे हैं। और अभी 10 बज रहे, इसलिए यार अभी यहाँ पे तो एकदम पूरा हलचल, लोग यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो ये कुत्ते बहुत प्यारे हैं यार, जो पीछे आप लोग देख सकते हो ना, साथ में पूरा मस्ती कर रहे हैं ये। अभी तो बहुत अच्छे है भाई, लेकिन जैसे जैसे रात होगी ये लोग ही अपने लोगों को डराने वाले हैं, तो देखते क्या होता है। अभी आधा डिस्टेंस कवर करोगे तो ये बीच रास्ते में स्टेडियम पड़ता है, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो यहाँ लोग आते दिन से यार बीच बीच में बैठने के लिए। यहाँ पे तलजई टेकड़ी में रास्ते बनाए हुए हैं और इस टाइप के आप लोगों को बीच बीच में सीनिक मिल जाएगा, रूम वगैरह है। वही भी हम लोग आधे डिस्टेंस कवर कर लिए होंगे, लेकिन अभी और हम लोगों को जाना है वो हॉन्टेड प्लेस पे रुकने के लिए, तो अभी 1 किलोमीटर होंगे, तो चलते हैं यार हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे और आज पूरा रात उधर ही बिता। यार पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है, ये लोग बाइक लगा के पता नहीं यार कहाँ गए ये सारे। एक्चुअली गाइस कपल लोग के बाइक है, तो लोग आप सोच सकते हो बाइक लगा के कार लगा के वो लोग कहाँ गए अपने को पता नहीं भाई लोग। यार यहाँ पे अभी एक मस्त फनी आदमी जा रहा था एकदम पूरा पी के, क्या क्या बोल रहा था वो यार, मैं शादी करूंगा अगर किससे ही करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे, पूरा चिल कर रहे हैं। ये है यार मंदिर, तलजई माता देवस्थान। ये है यार मंदिर का रास्ता, तो ऊपर जाना अलाउड है, आप लोगों को जाके दिखाता हूँ यार मैं भाई। जहाँ भगवान हो वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सोए हुए, यहाँ से आप लोग देख सकते हो सामने मूर्ति रखी हुई है, ऐसा कुछ सीन है इधर का। अभी पता नहीं ये लोग किधर जा रहे हैं, इधर से एकदम अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब जितना हॉन्टेड था इतना में तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्या, और ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का है। गाइज यार यहाँ से वो हॉन्टेड प्लेस स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ के बाद लाइट भी यार कोई लोग उधर नहीं लगाया है और हम लोग उधर ही जा रहे हैं, यहाँ पे लाइट भी बंद हो जाती है गाइज, और हम लोग अभी उधर जा रहे हैं। सच में बहुत डर लग रहा है, और यार अपने साथ मतलब फ्रेंड भी है, वो भी लड़की है, तो और भी ज़्यादा मतलब डर लगता है यार। हम लोग ऐसा लड़के होते तो चलो यार होता जो भी हम लोग देख लेते, लेकिन साथ में ये भी है तो अपने को मतलब ऐसा ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेने का है, लेकिन जितने देर हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं उतनी देर रुकते हैं और देखते हैं अभी क्या होता है आगे। परी यार इतना दूर मत चल अब, क्या जाने क्या यार, मेरे को तो डर लग रहा है सच्ची। गए रास्ते तो है यार, अभी देख रहे हो एक भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, उधर कुछ भी हो सकता है यार। आप लोग पीछे से देख सकते हो गाइज, आप लोगों को दिखता होएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत दूर आ गए एक्चुअली। लाइट आप लोग देख सकते हो कहाँ पे है, ये लोग मान नहीं रहे यार, ये लोग तो चले जा रहे हैं। हम लोग वापस लौट रहे यार, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे यार, सच में हम लोग बहुत दूर आ गए थे और अभी हम लोग थोड़ा लाइट की तरफ रहते हैं, क्योंकि इधर बहुत अंधेरा है और कुछ भी हो सकता है यार। भाग भाई भाई, सीढ़ी चढ़ना गिर मत जाइयो। और हम लोग सोच रहे यार कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर ले, बहुत टाइम बिता ले यार, बहुत बोर भी हो रहे हैं, तो अभी इधर ही हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं।
और यहाँ पे यार ये थोड़ा कुछ मस्ती कर रहा है। गाइज ये पूरा ये मतलब जो भी लगाए हुए है ऐसा ये मारने का कोशिश कर रहा है, मन कर रहा हो नीचे आ जा गिर जाएगा भाई। और कुत्ते भौंक रहे यार, पूरा सुनसान है रोड, कुत्ते भौंक रहे, हम लोगों को डर भी लग रहा है यार, देख सकते हो बहुत डर लग रहा है भाई लोग, कुत्ते भौंक रहे यहाँ पे। गाइज यार कुत्ते भौंक रहे थे, सच में बहुत डर लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था शायद हम लोग को ही देख के भौंक रहे, क्योंकि इस एरिया में अभी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कोई कोई लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो देख के भौंकने लगे, वो लोग पूरा डर गए थे। कैसा लग रहा था वो भौंक रहे थे तो? बहुत डर लग रहा था। और तेरे को राहो? बहुत ज्यादा यार, बहुत सारे कुत्ते थे वहाँ। तो यार हम लोग तो अभी आगे आ गए भाई ऐसे साइड साइड से, लेकिन देखते हैं यार अभी आगे तो बहुत सारा मतलब आप लोगों का ऐसा किक मिलने वाला है वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे यार बैठने के बनाए हुए है, तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, हम लोग इधर ही थोड़ा देर अभी रेस्ट कर लेते हैं। गाइस बैठे बैठे अभी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये बोली कि चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं। रात के अभी 2 बजे और हम खेलने वाले हैं चिड़िया उड़ कौआ उड़, तो हम लोग चलो चिड़िया उड़ कौआ उड़ खेलते हैं। कौन बोलने वाला है? रामदू बोलेगा। चिड़िया उड़, कौआ उड़, मैना उड़, हाथी उड़, सब उड़ाए, सबको सबको पड़ेगा, सबको पड़ेगा, सबको पड़ेगा। नेक्स्ट गेम यार हम लोग खेल रहे हैं स्टोन पेपर सीजर, एक्चुअली 2 बज गए गाइज, तो ठंडी भी लग रही है बहुत और हम लोग को नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो हम लोग डिसाइड किए कि स्टोन पेपर सीजर में जो हारेगा वो आधे घंटा पहरा देगा और तब तक हम लोग रेस्ट करेंगे, तो देखते हैं अभी कौन हारता है। तुम लोग में से जो हारेगा वो मेरे साथ खेलेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट। स्टोन पेपर सीजर गाइज ये तीन का राउंड होने वाला है, तीन का राउंड हाँ देख परी, इसका एक पॉइंट हो चुका है, अभी 2 पॉइंट। हाँ तेरे को मैंने बचा लिया। हाँ चलो अभी एक पॉइंट राहु का हो चुका है। हाँ 2 पॉइंट जिसके हो गए जल्दी वो जीत जाए। हाँ स्टोन पेपर सीजर और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो चुका है, एक पॉइंट इसका भी हो चुका है, अभी तो लास्ट राउंड में कौन जाओ। स्टोन पेपर सीजर गाइस ये हार गई है अभी और ये जीत चुका है, अभी ये सेफ है और मैं हार गई, तो मतलब ये डेफिनेटली अभी सोने वाला है और हम लोग दोनों में अभी जो जीतेगा वो पहरा देगा, वो भी सोएगा और जो हारेगा वो पहरा देगा, देखते गाइस। सो गाइस अब हम दोनों खेलने वाले, देखते हैं अब कौन जीतेगा। गाइस प्रे फॉर मी भाई, ये जीतेगी तो इससे भी मैं पहरा करवाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं लड़की तो माफ कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये भी आधे घंटे जग के यहाँ पहरा देगी तब तक हम और साहब सो जाएंगे। स्टोन पेपर सीजर अभी और 2 राउंड बचे हैं, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, ये तो फिक्स है। स्टोन पेपर सीजर ओह नो यार, अभी ड्रॉ हो गया यार, और थर्ड राउंड अभी देखते हैं कौन जीतेगा। स्टोन पेपर सीजर यार, ये लोग तो एकदम सो गए गाइज, अभी 3 बज गए, अब लोग 2 बजे ये लोग सोए, अभी तक नहीं उठे, आधे घंटे की बात हुई थी लेकिन ये लोग 1 घंटे सो गए, और उठ जा यार। यार ये लोग तो एकदम कस कस के खराटे ले रहे भाई सारा हो, और परी उठ जा यार, 3:30 बज गए अभी चलते हैं। हाँ परी, ओए परी उठ जा, राहो भाई उठ जा यार, ओए राहो राहो उठ जा, चलते हैं। तो गाइज यार अभी 4 बज गए और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पे, एक्चुअली मॉर्निंग पे लोग वॉक वगैरह करने आ जाते हैं, तो अभी यार हम लोगों को जाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा महंगी जगह गाइज, ये लोग तो थोड़ी देर सो गए थे, तो अभी चलते हैं। आप लोगों को आई होप गाइज आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा यार तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। New sounds.